नमस्कार, मैं सोहन राज और आप देख रहे हैं 24 इंडिया टीवी। चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। बोरियो कस्तूरबा विद्यालय में जिला स्तरीय शिक्षक पुरस्कार एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां बोरियो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर जिला स्तरीय शिक्षक पुरस्कार एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में साहेबगंज जिले के उपायुक्त रामनिवास यादव, जिला शिक्षा पदाधिकारी दुर्गानंद झा मुख्य रूप से शामिल हुए। वहीं उपायुक्त का स्वागत पुष्प वर्षा कर एवं पुष्प गुच्छ देकर किया गया, जहां कार्यक्रम का शुरुआत दीप प्रज्वलित कर एवं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की तस्वीर माल्यार्पण कर नमन किया गया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कस्तूरबा विद्यालय के छात्र आस्था कुमारी, सोनाली मरांडी, सुनीता मुर्मू, गौरी कुमारी ने स्वागत गीत, कविता एवं भाषण प्रस्तुत कर सभी शिक्षकों का सम्मान दिया। वहीं आपको बता दें कि अपने जीवन में शिक्षकों के योगदान को बताया कि शिक्षकों की वजह से उनमें कई तरह से विकास हुए हैं। वहीं कार्यक्रम में शिक्षकों ने भी अपने शिक्षण का अनुभव साझा किए। वहीं आपको बता दें कि प्रखंड स्तर, अनुमंडल स्तर एवं जिला स्तर के शिक्षकों को सम्मानित किए गए, जहां जिले स्तर से प्लस टू बी डी उच्च विद्यालय सकरी गली के शिक्षक योगेंद्र कुमार को 50,000, अनुमंडल स्तर से प्लस टू उच्च विद्यालय उदवा के शिक्षक रवि कुमार मिश्रा एवं नुसरत जहां को 20,000 एवं जिले के सभी प्रखंड स्तर के शिक्षकों को 10,000 प्रशस्ति पत्र एवं शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। जहां कार्यक्रम में उपायुक्त ने बच्चों से कहा, इस मूल्यवान शिक्षा को हमेशा याद रखें, आपकी सफलता के पीछे सबसे बड़ा योगदान आपके शिक्षक का ही होता है। वही कहा कि अगर गुरुओं ने मुझे नहीं पढ़ाते तो आज मैं यहाँ नहीं होता। कहा कि गुरुओं का काम ही अंधेरा से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए है। जहाँ कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधीक्षक, प्रखंड विकास पदाधिकारी टूडू दिलीप, डीपीओ आशीष कुमार, बीईओ जलेश्वर शाह, बीपीओ मनीष कुमार, खालिद हुसैन एवं अन्य प्रखंड से बीआरपी, सीआरपी, विभिन्न विद्यालय के शिक्षक एवं छात्राएँ उपस्थित थे। बोरियो से हमारे सहयोगी आशुत अजमल की रिपोर्ट। स्पोर्ट्स पे नहीं पहुंचे तो स्कूल अच्छा होना, उसके साथ में उसमें शिक्षक अच्छा, दो चीज अगर कहीं पे मिलती है तो उस स्कूल हम लोग लिटरेचर लिटरेसी पढ़ाते हैं। क्या कहते हैं लिटरेसी? इतना परसेंटेज है। समाज छोटी है, वो ह्यूमन भी नहीं, इन ह्यूमन एक्टिविटी केवल जो जानवर कर सकते। आज इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हम ये पढ़ लें, जैसा आप भी बता रहे थे आपके ही शिक्षक, कैसे हम समाज को अच्छा कर सकते। जब तक आप अपने अंदर से अच्छे नहीं हैं, ह्यूमन वैल्यूज को नहीं पालेंगे,